जय श्री श्याम दोस्तों। दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है भाई। काफ़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं आ गया हूं। तो भाई पहली खबर जो निकल के आती है वो निकल के आती है जीप की तरफ से। जीप ने अपनी मानसून शील्ड कैंपेन शुरू कर दिया है। हर कंपनी ने इस सीज़न में मानसून कैंप लगाया, लगभग हर साल ही लगाती हैं। तो भाई जीप रहता था, अब जीप ने भी लगा दिया है। तो भाई ये जो है ये पैन इंडिया में हर एक डीलरशिप पर अवेलेबल होगा 31 जुलाई तक। अगली जो खबर निकल के आ रही है भाई मारुति की तरफ से निकल के आ रही है, मारुति ने ऑल्टो के ऊपर 59,000 रुपये का डिस्काउंट प्रोवाइड कराया है जुलाई के महीने में। ये जो है गाड़ी चार वेरिएंट में आती है, चारों वेरिएंट पे ये डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको एक गाड़ी चाहिए तो आप जाके ले सकते हो। अगली जो खबर आ रही है भाई BMW की तरफ से आ रही है, BMW X5 का फेसलिफ्ट इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। 93,90,000 रुपये इसकी कीमत है। और ये जो है चार वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी। और ये फरवरी के मतलब ये लगा लीजिए ये जो मॉडल है फरवरी के अंदर ग्लोबली लॉन्च हो गया था, अभी इंडिया के अंदर आया है। अगली जो खबर है भाई महिंद्रा की तरफ से है, महिंद्रा XUV 700 का 6-सीटर वेरिएंट टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है, काफ़ी जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। फोटोज आपके सामने हैं, ये वेरिएंट 6-सीटर वेरिएंट है। अगली खबर है भाई मर्सिडीज़ की तरफ से, मर्सिडीज़ बेंज GLC का फेसलिफ्ट टीज कर दिया है इंडिया के अंदर मर्सिडीज़ ने। इंडिया के अंदर काफ़ी जल्दी अनवील होगी, कुछ कॉस्मेटिक और फीचर्स के साथ नए अपडेट्स आएंगे इसके अंदर, तो देखना होगा क्या प्रोवाइड कराता है। अगली खबर है भाई किया की तरफ से, किया इंडिया ने 1,00,000 प्रोडक्शन यूनिट्स का माइलस्टोन कंप्लीट कर दिया है, तो भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगली जो खबर है भाई वो भी किया की तरफ से ही है, सेल्टोस का जो फेसलिफ्ट है उसकी ऑफिशियल बुकिंग चालू हो गई है इंडिया के अंदर। जो भी फेसलिफ्ट इन्होंने लॉन्च किया था उसकी ऑफिशियल बुकिंग्स आ रही हैं, तो भाई काफ़ी अच्छा है। ये जो गाड़ी है, ये जो मॉडल है, जो फेसलिफ्ट है, वो मेन ट्रिम्स लाइन में मतलब तीन मेन ट्रिम लाइन में आएगा। अगली जो खबर है भाई वो सिट्रोन की तरफ से है, सिट्रोन C3 ने 0 स्टार हासिल किए हैं लैटिन एन कैप रेटिंग में। तो भाई सस्ती गाड़ी तो मतलब इससे उम्मीद नहीं थी यार, लग रही थी थोड़ी सी सॉलिड, बट क्या कर सकते हैं। अगली खबर भाई सिट्रोन की तरफ से ही है, सिट्रोन C5 एयर क्रॉस के ऊपर 2,00,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा जुलाई के महीने में। ये सिर्फ जुलाई तक ही वैलिड है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा भाई 2,00,000 होने डिस्काउंट के बाद भी ये गाड़ी महंगी है। अगली खबर है भाई मारुति की तरफ से, मारुति वैगनार के ऊपर डिस्काउंट ऑफर किया गया है 49,000 रुपये का। अगर किसी को चाहिए तो सिर्फ जुलाई के महीने में ये तक ही वैलिड है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। CNG वेरिएंट के ऊपर भी डिस्काउंट आपको सेम ये देखने को मिलेगा। अगली जो खबर है भाई वो है एक ह्युंडई एक्स्टर के बारे में, और काफ़ी तगड़ी खबर है। ह्युंडई एक्स्टर का वारंटी डिटेल्स सामने निकल के आ गई हैं, और इसमें एक तगड़ी मतलब चीज़ कर दी है ह्युंडई ने। आप ह्युंडई एक्स्टर की जो वारंटी है वो 7 साल तक बढ़ा सकते हो विद रोड असिस्टेंस, तो भाई गजब ही कर दिया। अगली खबर है भाई टाटा की तरफ से, टाटा हैरियर और सफारी के ऊपर 35,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा जुलाई के महीने में। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो जाके फटाफट से ख़रीद लो। अगली खबर भाई ह्युंडई की तरफ से, ह्युंडई की क्रेटा के चाहने वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर भी है और कुछ के लिए बुरी खबर भी है, क्योंकि क्रेटा EV स्पोर्ट की गई है टेस्टिंग के दौरान। तो यार इंजन के लिए ही तो खरीदते थे क्रेटा को, अब उसमें इंजन ही नहीं मिलेगा यार। सिर्फ मतलब पता है यार, कुछ भी कहो, इलेक्ट्रिक हम मानते हैं भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्यूचर हैं, चलो एग्री करते हैं हम इस चीज़ से, बट यार जो इंजन की गाड़ियों में फील आती है ना, नहीं आती भाई, नहीं आती, कर EV फील ही नहीं दे सकती। अगली जो खबर है भाई वो है किया EV9 इलेक्ट्रिक SUV इंडिया के अंदर 2024 तक लॉन्च हो सकती है। तो भाई अगर कोई वेट कर रहा है इसका तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, 800 वोट अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ ये आएगी। तो गाइज अगली जो खबर निकल के आई है भाई वो है ह्युंडई एक्स्टर के बारे में। ह्युंडई एक्स्टर CNG वेरिएंट डीलरशिप्स तक पहुंच चुका है, उस पर देखने को मिल गई है ये, आप जाके देख सकते हो।
जो CNG वेरिएंट है वो S और SX वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी, और इसकी जो क्लेम्ड माइलेज है वो है 27.1 किलोमीटर पर KG की, तो ठीक ठाक एवरेज है, आप जाके देख सकते हो। अगली खबर भाई वोल्वो की तरफ से है। वोल्वो कार्स ने 33% की ग्रोथ हासिल की है पहले क्वार्टर में 2023 के अंदर, तो भाई अच्छी खासी ग्रोथ है वोल्वो की गाड़ियों में। वोल्वो की तरफ लोग थोड़ा सा जाने लगे हैं अब सेफ्टी के पर्पज़ से भी, और चीज़ें भी अच्छी प्रोवाइड कराता है यार वोल्वो, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं। अगली खबर MG की तरफ से, MG ZS EV का एक नया वेरिएंट ADAS के साथ लॉन्च हो चुका है, और ये जो गाड़ी है 461 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी। प्राइस जो है इसकी 27,89,000 रुपये के करीब होगा। तो भाई एक और नया वेरिएंट जुड़ गया है MG ZS EV के अंदर ADAS के साथ। तो भाई ये कुछ खबरें थी, आपको ये खबरें कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।